स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। आज हम आपको दर्शन कराएंगे कर्नाटक के चेन्ना केशव मंदिर का। अद्भुत अकल्पनीय, हमारी कल्पनाएं जहां रुक जाती हैं वहीं से हमारे पूर्वजों की वास्तविकता शुरू होती है, और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक का चेन्ना केशव मंदिर। यह एक ऐसा मंदिर जिसमें ऐसी कारीगरी की गई है कि मन अचंभित हो जाए। इस मंदिर की शिल्पकारी इतनी उत्कृष्ट और बारीक है कि कई स्थानों पर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से ही देखा जा सकता है। आखिर ऐसी कौन सी तकनीक थी हमारे पूर्वजों के पास जिसे हम आज इतना उन्नत होकर भी नहीं जान पाए। पूरा विश्व घूम लीजिए, आपको ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं दिखेगी। क्या आज के समय में उपलब्ध तकनीक ऐसी है जो इतनी बारीक कलाकारी कर सके? यह मंदिर विभिन्न प्रकार के ज्यामित, गणित, भौतिक, इंजीनियरिंग, मूर्तिकला, नक्काशी के ज्ञान को एक साथ दिखाता है। उस टाइम, उस पुराने समय में इतनी उन्नत कारीगरी कैसे थी? इन सब के बिना ही हमारे पूर्वज मानक पर खड़े मंदिर स्थापित करने में आज से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस मंदिर में निर्मित मूर्तियाँ लकड़ी या थर्माकोल की नहीं है। देखने में तो ऐसी लगती जैसे लकड़ी की बनी हो, जिन्हें छीलना, चिकना करना, चिपटा करना, सटीक करना आसान काम है, अपितु ये मूर्तियाँ पत्थरों की हैं और बहुत महीन बारीक कारीगरी। आज भी आपको बाजार में सोने के ऐसे सुंदर गहने नहीं मिलेंगे इतनी बारीकी से तराशे हुए। अब इन्हें बनाने वाले कलाकार कौन रहे होंगे? उनके पास कौन से ऐसे उपकरण रहे होंगे? कैसे उन्होंने पत्थरों में इतनी बारीक कटाव, जालियां, गोलाइयां, गहनों की सुंदरता कैसे किया होगा? केवल छेनी हथौड़ी की सहायता से एक एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगा होगा? यह भारत की सनातन संस्कृति में वास्तुकला, मूर्तिकला, उन्नत और गौरवशाली इतिहास का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखकर विश्वास नहीं होता। 1433 ईस्वी में ईरान के यात्री अब्दुल रज्जाक ने इस मंदिर के विषय में लिखा था। वह इसके शिल्प का वर्णन करते हुए डरता था कि कहीं उसके प्रशंसात्मक कथन को लोग अतिशयोक्ति न समझ लें। चलिए अब आपको ले चलते हैं इसके इतिहास में, इसके बारे में जानते हैं कि कब और कहाँ है यह मंदिर। बेलूर कर्नाटक के हासन जनपद में स्थित यह छोटा सा नगर है। यागाची नदी के तीर स्थित यह नगर चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। बेलापुर के नाम से भी जाना जाने वाला यह एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण नगर है। यह 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में राज्य करते होयसल साम्राज्य की राजधानी है। होयसल साम्राज्य अप्रतिम मंदिर वास्तुकला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। वे कला, साहित्य तथा धर्म के महान संरक्षक थे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है चेन्ना केशव मंदिर। होयसल राजवंशी मूलतः पश्चिमी घाट के मलनाडु नामक क्षेत्र के थे और ये युद्ध कौशल में विशेष निपुण हुआ करते थे। इन्होंने चालुक्य और कलचुरी वंशों के मध्य चल रहे आंतरिक युद्ध का लाभ उठाते हुए कर्नाटक के कई क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया था। 13वीं सदी तक उन्होंने कर्नाटक के अधिकतर क्षेत्रों, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों तथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कई क्षेत्रों तक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। होयसल काल को इस क्षेत्र का स्वर्णिम काल माना जाता है। दक्षिण भारत में कला, वास्तुशिल्प, साहित्य, धर्म और विकास के क्षेत्र में होयसल राजवंश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बेलूर नगरी उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में उन्होंने हेलेबिडु में स्थानांतरित किया, जिसे द्वार समुद्र भी कहते हैं। आज होयसल राजवंश को विशेष रूप से उत्कृष्ट होयसल वास्तुकला के लिए स्मरण किया जाता है। वर्तमान में होयसल वास्तुकला से सुशोभित 92 मंदिर हैं। इनमें मुख्य मंदिरों में से एक है वेलूर का चेन्ना केशव मंदिर। यह होयसल वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। वेलूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने कराया था। वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कला कृति के निर्माण में राजवंश की 3 पीढ़ियों को 103 वर्ष लग गए। ऐसा कहा जाता है कि पत्थर द्वारा इस वास्तुकला के निर्माण में 1000 से अधिक कारीगरों का योगदान था। यह मंदिर भगवान विष्णु के चेन्ना केशव रूप को समर्पित है, जिसका अर्थ है सुंदर,
विष्णु किशु केशव, सुंदर विष्णु केशव। यह मंदिर राजा विष्णुवर्धन द्वारा चोल वंश पर अर्जित की गई महत्वपूर्ण सैन्य विजय की स्मृति में निर्मित किया गया था। वेलूर का चेना केशव मंदिर संकुल चेना केशव मंदिर होयसल वास्तुकला के चित्ताकर्षक नमूनों में से एक है। असाधारण नक्काशी एवं उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए इस मंदिर को स्थानीय रूप से कला सागर कहा जाता है। इसकी सुंदरता इतनी अभिव्यंजक है कि यह सभी निर्जीव पत्थर की कलाकृतियां अत्यंत सजीव प्रतीत होती हैं। मंदिर 178 फुट लंबा और 156 फुट चौड़ा है। परकोटे में 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें सुंदर मूर्तिकारी है। इसमें अनेक प्रकार की मूर्तियां जैसे हाथी, पौराणिक जीव जंतु, मालाएं, स्त्रियां, नर्तकियां। यह विशाल मंदिर चारों ओर से भित्तियों से घिरा हुआ है। मंदिर के भीतर जाने के लिए 2 प्रवेश द्वार है। पूर्वी प्रवेश द्वार पर 5 तलों का विशाल गोपुरम है। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों ने मुख्य द्वार को नष्ट कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य के काल में इसका पुनर्निर्माण किया गया। गोपुरम का निचला भाग कठोर पत्थर द्वारा निर्मित है, वहीं इसका ऊपरी भाग ईंटें व गारे द्वारा बनाया गया है। इसे देवी देवताओं की प्रतिमा द्वारा सुशोभित किया गया है। इसके 2 सर्वोच्च कोनों पर गौ माता के सिंह के आकार की 2 संरचनाएं हैं, इसीलिए इसे गोपुरम कहा जाता है। 2 सिंहों के मध्य 5 सुनहरे कलश हैं। मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर रामायण तथा महाभारत के अनेक दृश्य अंकित हैं। मंदिर में 40 वातायन हैं, जिनमें से कुछ के पर्दे जालीदार हैं और कुछ में रेखागणित की आकृतियाँ बनी हैं। अनेक खिड़कियों में पुराने तथा विष्णुवर्धन के राजसभा के दृश्य हैं। मंदिर की संरचना दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों की भांति ताराकार है। इसके स्तंभों में शीर्षाधार नारी मूर्तियों के रूप में निर्मित है और अपनी सुंदर रचना सूक्ष्म तक्षण और अलंकरण में भारत भर में बेजोड़ है। ये नारी मूर्तियां मदनिका नाम से प्रसिद्ध है। गिनती में ये 38 है और 34 बाहर और शेष अंदर। ये लगभग 2 फुट ऊंची है। इन पर उत्कृष्ट प्रकार के श्वेत पॉलिश है, जिसके कारण ये मोम की बनी हुई जान पड़ती है। मूर्तियां परिधान रहित हैं, केवल उनका सूक्ष्म अलंकरण ही उनका आच्छादन है। यह विनाश रचना संस्कृति तथा नारी के भौतिक और आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। मूर्तियों की भिन्न भिन्न भावभंगिमाओं के अंकन के लिए उन्हें कई प्रकार की क्रियाओं में संलग्न दिखाया गया है। एक स्त्री अपनी हथेली पर अवस्थित शुक को बोलना सिखा रही है, दूसरी धनुष संधान करती प्रदर्शित है, तीसरी बांसुरी बजा रही है, चौथी केश प्रसादन में व्यस्त है, पांचवी सद्या स्नाता नायिका अपने बालों को सुखा रही है, छठी अपने पति को तामूल प्रदान कर रही और सातवीं नृत्य की विशिष्ट मुद्रा में है। इन कृतियों के अतिरिक्त बानर से अपने वस्त्रों को बचाती हुई युवती वाद्य यंत्र बजाती हुई मद बिहला नौ योना तथा पट्टी पर प्रणय संदेश लिखती हुई बिरहड़ी, ये सभी मूर्ति चित्र बहुत ही स्वाभाविक और भावपूर्ण है। एक अन्य मनोरंजक दृश्य में एक सुंदरी बाला है जो अपने परिधान में छुपे बिच्छू को हटाने के लिए बड़े संभ्रम में अपने कपड़े को झटक रही है। उसकी भयभीत मुद्रा का अंकन मूर्तिकार ने बड़े ही कौशल से किया है। उसकी दाहिनी भौं बड़े बांके रूप में ऊपर की ओर उठ गई है और डर से उसके समस्त शरीर में तनाव का बोध होता है। 3 श्वास के कारण उसके उदर में बल पड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कटी और नितंबों की विषम रेखाएं अधिक प्रबुद्ध रूप में प्रदर्शित की गई हैं। मंदिर के भीतर की शीर्षाधार मूर्तियों में देवी सरस्वती की उत्कृष्ट मूर्ति चित्र देखते बनता है। देवी नृत्य मुद्रा में है, जो विद्या की अधिष्ठात्री के लिए सर्वथा नई बात है। इस मूर्ति में विशिष्ट कला की अभिव्यंजना इसकी गुरुत्वाकर्षण रेखा की अनोखी रचना में है। यदि मूर्ति के सिर पर पानी डाला जाए तो वह नासिका के नीचे से होता हुआ बाम पार्श्व से होता हुआ खुली बाम हथेली में आकर गिरता है और वहां से दाहिने पांव में नृत्य मुद्रा में स्थित तलवे में होता हुआ बाएं पांव पर गिर जाता है। वास्तव में होयसल वास्तुकारों विशारदों ने इन कलाकृतियों के निर्माण में मूर्तिकारी की कला को चरमावस्था पर पहुंचाकर उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ शिल्पकृतियों में उच्च स्थान का अधिकारी बना दिया है। मंदिर
मंडप का पश्चिमी भाग गर्भगृह की ओर ले जाता है। गर्भगृह के भीतर आप चतुर्भुज मुद्रा में भगवान विष्णु की 6 फुट ऊंची तथा नाना प्रकार से अलंकृत अत्यंत नयनाभिराम प्रतिमा देख सकते हैं। मनमोहक प्रभा मंडल यह प्रतिमा 1-3 फुट ऊंची पीठिका पर स्थापित है। भगवान विष्णु ने अपने ऊपरी दोनों हाथों में शंख एवं चक्र धारण किया हुआ है तथा निचले हाथों में कमल तथा गदा धारण किया है। उनके प्रभा मंडल पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चक्रीय उत्कीर्णा है। मंदिर के कुछ विशेष भाग भी हैं। गजार सुसंहार नवरंग मंडप में प्रवेश के लिए पूर्व उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 3 द्वार हैं। मंदिर का निर्माण शैल घटी अर्थात शिलखड़ी पत्थर द्वारा किया गया है, जिसकी संपूर्ण संरचना पर आप सूक्ष्म नक्काशी देख सकते हैं। पूर्व दिशा का द्वार मकर तोरण द्वारा सज्जित है। मुख्य द्वार के ऊपर स्थित पट्टिका पर विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है। द्वार के दोनों ओर सल द्वारा बाघ के वध का दृश्य 2 विशाल संरचनाओं द्वारा दर्शित किया गया है। यह होयसल राजवंश का राज प्रतीक भी है। इस प्रतीक के दोनों ओर आप 2 छोटे मंदिर देखेंगे जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पूर्वी द्वार के दोनों ओर की भित्तियों पर मनमोहक उत्कीर्णन द्वारा राज दरबार का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें बाईं ओर राजा विष्णुवर्धन तथा दाहिनी ओर उनके पोते वीर बल्लाल हैं। मंदिर के द्वार भी उत्कृष्ट रूप से सुंदर फिलग्री नक्काशी द्वारा उत्कीर्णित है। पूर्वी द्वार के समक्ष गोपुरम की ओर सुनहरा ध्वज स्तंभ है, जिसके समक्ष सुंदर रीति से उत्कीर्णित गरुड़ है, जिसका मुख्य मुख मंदिर की ओर है और जो भगवान विष्णु का वाहन है। विशाल नवरंग मंडप 48 अत्यंत चमकीले एवं समृद्ध रूप से उत्कीर्णित स्तंभों से सुसज्जित है। प्रत्येक स्तंभ का आकार एवं उसकी शैली भिन्न है। इन स्तंभों में से मध्य स्थित 4 स्तंभ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन 4 स्तंभों में से भी सर्वाधिक विलक्षण स्तंभ है दक्षिण पश्चिम दिशा में मोहिनी स्तंभ तथा दक्षिण पूर्व दिशा में नरसिंह स्तंभ। तारे के आकार के मोहिनी स्तंभ पर 16 लंबी धारीदार नक्काशी है। उस पर आप मोहिनी रूप में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा देखेंगे। नरसिंह स्तंभ पर उभरी हुई उत्कृष्ट नक्काशी एवं संरचनाएं हैं। ऐसा बताया जाता है कि किसी समय नरसिंह स्तंभ अपनी ही धुरी पर पत्थर की कीलों द्वारा घूम सकता था, किंतु विमान के खंडन के पश्चात यह स्तंभ भी स्थिर हो गया है। मध्य स्थित 4 स्तंभों के ऊपरी कोने 4 कोष्ठक प्रतिमाओं द्वारा अलंकृत है। ये प्रतिमाएं होयसल शिल्प कौशल के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये प्रतिमाएं हैं शुक भाषणी अपने पालतू तोते से वार्तालाप करती एक नारी, रानी शांतला देवी, गंधर्व नृत्य, केश श्रृंगार, स्नान के पश्चात अपने केशों से जल निचोड़ती एक नारी, नवरंग मंडप की कोष्ठक प्रतिमाएं, गंधर्व नृत्य की एवं शांतल देवी की प्रतिमाएं विशेषता ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनके ऊपर सज्जा साधन अपने स्थान से हिल सकते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित स्तंभ पर उत्कीर्णित रानी की केश सज्जा पर अलंकृत एक छोटा चक्र तथा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित स्तंभ पर उत्कीर्णित नर्तकी की कलाई पर सज्जित कंगन घूम सकते हैं। मंडप के मध्य भीतरी छत वास्तव में पत्थर एक पर एक अत्यंत आकर्षक उत्कीर्ण है। छत का आकार 2 संकेंद्रित वर्ग के मध्य उल्टे कमल जैसा है। वर्ग का मध्य भाग उल्टे शिवलिंग के समान है। आधार पर नरसिंह तथा मध्य में ब्रह्मा का प्रतीक कमल का पुष्प है। त्रिमूर्ति को पत्थर की एक शिला पर सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसे त्रिमूर्ति संगम भुवनेश्वरी कहा जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा दोनों ओर से उनकी शक्तियों की प्रतिमाओं से घिरी हुई है। वह है श्रीदेवी और भूदेवी। भीतरी गर्भगृह का प्रवेश द्वार मकर तोरण फिलग्री कलाकृतियों द्वारा सुसज्जित है। प्रवेश द्वार के ऊपर भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। द्वार के दोनों ओर 2 द्वारपालों की अत्यंत अलंकृत तथा सूक्ष्मता से उत्कीर्णित भव्य प्रतिमाएं हैं। इनके नाम है जय और विजय। नवरंग मंडप के उत्तरी द्वार के समीप स्थित प्राचीन कन्नड़ भाषा में लिखित एक शिलालेख के अनुसार भगवान को विजय नारायण भी कहा जाता है। चेन्नकेश्वर मंदिर की बाहरी भित्तियां मुख्य मंदिर की बाहरी भित्तियां पर मानव पशुओं देवी देवताओं की प्रतिमाएं भव्यता से उत्कीर्णित हैं। नवरंग मंडप की भित्तियां सामाजिक ताने बाने अर्थात जीवात्मा को दर्शाती हैं। वहीं
गर्भगृह की भित्तियां पुराणों में दर्शित आध्यात्मिक जीवन व कथाओं का अर्थात परमात्मा का चित्रण करती हैं। मंदिर की बाहरी भित्तियां एवं प्रत्येक भाग व प्रत्येक कोना सूक्ष्मता से उत्कीर्णित तथा भव्यता से अलंकृत है। भित्ति के निचले भाग पर आड़ी पट्टियों में हाथी सिंह तथा लघु प्रतिमाएँ हैं जिन पर भव्य अलंकरण है। इन आड़ी प्रतिमाओं को की पंक्तियों को तोड़ती सी मध्य में विशाल खड़ी प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं एकल शिला पर गढ़ी तथा शिलाओं के अंतर्गठन पद्धतियों द्वारा भित्तियों से गुथी। इसी प्रकार का शिलाओं का अंतर्गठन आप मंदिर की भित्तियों के चारों ओर छत से लटकती कंगनी में भी देख सकते हैं। यहाँ एक अत्यंत विशेष कलाकृति हाथियों के विभिन्न मुद्राओं के लगभग 650 शिल्प थे जिनमें प्रत्येक छवि दूसरे से भिन्न थी। बाहरी भित्ति एवं नवरंग मंडप गर्भगृह चारों ओर लटकते कंगनी के मध्य 38 कोष्ठक शिल्प हैं। ये शिल्प फिलग्री शैली में रचित हैं तथा मदनिकाओं द्वारा सुशोभित हैं। इन मदनिकाओं की विभिन्न नृत्य मुद्राएँ एवं कार्यकलाप हैं। दर्पण में स्वयं को निहारती स्त्री, एक स्त्री की साड़ी खींचता बंदर, स्नान के पश्चात की संवारती स्त्री, धनुष पर बाण का लक्ष्य साधती स्त्री, त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी स्त्री जिसकी देह तीन स्थानों पर तिरछी हुई है, रुद्र वीणा बजाती स्त्री, कटहल के फल पर बैठी बचका की ओर जीभ लपलपाती छिपकली को देखती एक स्त्री, चेन्ना केशव मंदिर की नर्तकी, ये कैसी अलौकिक सुंदर शिलाओं पर उत्कीर्णित आप देख सकते हैं। गर्भगृह की भित्तियों पर अनेक पौराणिक दृश्य सुंदरता से उत्कीर्णित है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप का वध करते नरसिंह, महिषासुर मर्दिनी, कैलाश पर्वत उठाए रावण, सूर्य देवता, अंधकासुर का वध करते शिव, रामायण महाभारत की कथाएँ, शिलालेख, मंदिर के उत्तरी द्वार की पूर्वी भित्तियों पर प्राचीन कन्नड़ भाषा में अनेक शिलालेख हैं जो मंदिर की संरचना, इतिहास एवं दान दक्षिणा की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। नवरंग मंडप की ओर जाते तथा दक्षिणी द्वार के दोनों ओर भगवान विष्णु के छोटे मंदिर हैं। परिसर के उत्तर पूर्व कोने में गोपुरम के दाहिने ओर एक छोटी कल्याणी अर्थात सीढ़ी युक्त जलकुंड तथा बावड़ी है। जलकुंड के समीप स्थित शिलालेख के अनुसार इसे वासुदेव सरोवर कहा जाता है। जलकुंड के दूसरी ओर दो हाथियों की शिला प्रतिमाएं हैं। कुंड के समीप आप दो छोटे मंदिर भी देखेंगे। कुंड की ओर जाने वाला द्वार बंद रहता है अक्सर। मुख्य द्वार के मुख्य मंदिर के अतिरिक्त इस संकुल में अनेक अप्रतिम छोटे बड़े मंदिर हैं, जैसे कप्पे चेनीगरह मंदिर, वीर नारायण मंदिर, सौम्यानकी मंदिर, आंडाल मंदिर, कल्याण मंडप अथवा विवाह प्रांगण, दीप स्तंभ, पाक ग्रह, जलकुंड। मंदिर परिसर के भीतर गोपुरम के बाईं ओर दक्षिण दिशा में 42 फुट ऊंचा विशाल दीप स्तंभ जिसे एकल शिला के रूप में उकेरा गया है, इसे गुरुत्वाकर्षण विरोधी स्तंभ कहा जाता है। एक ऊंची पीठिका पर यह स्तंभ बिना संबल अपने ही भार पर खड़ा है। उत्तरी दिशा में सिस्टम का आधार कुछ उठा है जिसके फलस्वरूप पीठिका एवं स्तंभ के मध्य अंतर है। इस अंतर में से एक कागज का टुकड़ा आसानी से पार हो सकता है। अद्भुत कुशल और अद्भुत शिल्प कौशल का यह जीवंत उदाहरण है। पहले इस स्तंभ के चारों ओर सीढ़ियां थी जिसकी सहायता से दीप स्तंभ के दीप जलाए जाते थे। वर्तमान में स्तंभ के समीप पीठिका पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। कैसे जाएं इस मंदिर को दर्शन करने? बेलूर बंगलोर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलोर से इसकी एक दिवसीय यात्रा की जा सकती है। सर्वाधिक समीप स्थित नगर हासन है जहां से बेलूर 1 घंटे गाड़ी चलकर पहुंचा जा सकता है। मेरा आप चाहे तो उसी दिन जा सकते हैं। और हेलीविडो भी बेलूर के समान होशल शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है, वहाँ भी जा सकते हैं। मंदिरों को दर्शन का सर्वोत्तम समय प्रातः काल शीघ्र अथवा दोपहर के अंतिम समय अंतिम प्रहर का होता है। तो जब भी मौका मिले इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। जय केशव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।